नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर और डायमंड को लेकर। और आज हमारे साथ तीन एक्सपर्ट से हमने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, किस तरह की ज्वेलरी की डिमांड आजकल मार्केट में चल रही है। और साथ ही हमने भाव को लेकर भी बात की, बजट से जुड़ी हुई उनकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, जेम ज्वेलरी इस बजट से क्या चाह रहा है। हालांकि उनका कहना यही था कि अंतरिम बजट है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जब फुल बजट आएगा जुलाई अगस्त में तब वहाँ पर इन लोगों की उम्मीदें ज़्यादा रहेगी। लेकिन तमाम इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बीच में इनके कारोबार से जुड़े कई मुद्दों पर भी हमने बात किया। और तीन मेहमान थे जिनसे हमने बातचीत की थी, विपुल शाह चेयरमैन GJEPC से, और साथ ही जॉय अलुकास चेयरमैन जॉय अलुकास ग्रुप के, और प्रग्नेश नावाड़िया द्वेरा ब्रांड से। इन तीनों से हमने एक एक करके बातचीत की। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं विपुल शाह से, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर क्या कहा था, क्योंकि वो GJEPC के चेयरमैन भी है, उनकी इंडस्ट्री की तरफ से क्या उन्होंने डिमांड सरकार के सामने रखी है और आगे मार्केट को लेकर उनका पूरा आउटलुक क्या है, आइए समझ लेते हैं। बजट में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए इस बार क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बजट से क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की। हमारे साथ GJEPC के चेयरमैन मिस्टर विपुल शाह हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस बार इंडस्ट्री क्या उम्मीद लगा के चल रही है, क्या इस बार क्या गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती होने वाली है क्या? ये मुझे आई विश क्या आपकी जो बात हमेशा हम लोग करते रहते हैं कि गोल्ड में ये लोग ड्यूटी कम करनी चाहिए, लेकिन इस बार हम लोग की सच्ची बोले तो उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि ये बजट आज अभी इलेक्शन ईयर है, वोट ऑन अकाउंट बजट होगा। आई डोंट थिंक के कोई भी मेजर कुछ भी पॉलिसी डिसीजन आएगा ये बजट में, और ये जनरली वुड बी अ वोट ऑन अकाउंट बजट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नया बजट जो भी आएगा वो अभी नई, मतलब इलेक्शन के बाद नई सरकार जो आएगी वो परफेक्ट बजट लेके आएगी, और जो हमें मतलब उसकी थोड़ी इंतजार करनी पड़ेगी, अनलेस कोई पर्टिकुलर इशू है। अगर कोई ऐसा कोई इशू है, इशू बेस्ड कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती है, तो वो मिनिस्ट्री ने साफ कहा है तो वो लोग एक नोटिफिकेशन से उसको हल निकालेंगे। तो दैट इज ऑलवेज हम लोग का मिनिस्ट्री के साथ वार्तालाप होता रहता है। जैसे आज पीयूष जी भी आए थे तो हमने हमारी बात सब उनके सामने रखी जो हम लोग ने ऑलरेडी इतने सालों से रखी हुई है कि सर आप इस पर जरा नजर रख के जो भी कर सकते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी सहायता रहेगी। तो आई होपफुली जो जो चीज़ उनके हाथ में रहेंगी और जो चीज उनको करनी है तो वो देख लेंगे, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें से कुछ पास होगा तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके विपुल जी, मेरा अगला सवाल होगा डायमंड इंडस्ट्री को लेकर। डायमंड इंडस्ट्री की कई तरह की मांगे हैं, एक तो लैब ग्रोन डायमंड को लेकर कई तरह की डिमांड है, कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, फिर उस पर उससे रिलेटेड जितने भी ड्यूटी हैं उसमें कुछ रियायत की मांग इस बार आप लोगों की तरफ से, हो सकता है इंटरिम बजट नहीं, जब फुल बजट आए जुलाई अगस्त के महीने में उस समय कुछ सरकार इस पर विचार करे, तो आप लोगों की डायमंड इंडस्ट्री के लिए क्या डिमांड है इस बार? डायमंड इंडस्ट्री की सबसे पहले सो मतलब जैसे आपने अभी पहला सवाल जो बताया कि ये गोल्ड की जो इतनी ड्यूटी है कि ये पहले ड्यूटी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये स्मगलिंग और वो सब चीज़ को अपने को बढ़ावा नहीं देना है, और जो लेजिटिमेट धंधा हो रहा है तो एंकरेज भी क्यों करना, अगर हाई ड्यूटी रखो और वो हिसाब से लोगों को दूसरी तरफ सोच पे ले जाना वो भी एक चीज़ सही नहीं है। तो सरकार का भी प्रॉब्लम है, सरकार को भी ट्रेड डेफिसिट वगैरह सब करंट अकाउंट डेफिसिट देखना रहता है, तो उम्मीदें सरकार ये दिशा में ध्यान रखेगी। रही बात डायमंड इंप्रेस लाइसेंस की, हम लोग ने उम्मीद रखी है कि आज जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ग्राहक लोग का रिएक्शन आता है, तो आज रिएक्शन के लिए हमको आज एक्सपोर्ट पुश करना पड़ता है, कई बार कठिनाई आती है, तो ग्राहक को अगर 5-10% माल वापस देना रहता है तो यहाँ पे ड्यूटी के हिसाब से वो ला नहीं सकते, एक्सपोर्ट का धंधा बड़ा जो मिल सकता है वो हम मिस कर लेते हैं। तो हमने डायमंड इंप्रेस लाइसेंस सरकार से बुलाया कि हमने जो लास्ट 3 साल में जितने एक्सपोर्ट किए तो वो उसके एवरेज से हमको एटलीस्ट 5% ऐसा कोई लाइसेंस मिले डायमंड इंप्रेस के, जितने ग्राहक लोगों हम सप्लाई करते हैं डायमंड एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसमें से 5% डायमंड हम लोग इम्पोर्ट वापस कर सके तो वो ड्यूटी फ्री, तो उतना अपना एक्सपोर्ट्स के लिए भी बढ़ावा देगा। तो सरकार को भी समझ है, और वो चीज़ पहले थी जब ये ड्यूटी नहीं थी,
तभी ड्यूटी डायमंड्स पे जीरो ड्यूटी थी, पॉलिश डायमंड ड्यूटी पे जीरो थी, तभी ये चीज नहीं थी। और अभी मतलब अभी ये ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए अभी दिक्कत आ रही है। मतलब हो सकता है सरकार अभी इस पे FTA की अभी जो पॉलिसी जो आएगी बाहर, होपफुली अगर बजट के पहले, मतलब ये वोट ऑन अकाउंट के बजट के पहले या कुछ भी अगर इसमें आती है तो डेट विल रियली क्लैरिफाई करेगा। इक्वलाइजेशन ड्यूटी की भी बात की है 2%, क्योंकि रफ पे हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आज रफ एक्सपोर्ट, रफ आज हम लोग को इम्पोर्ट करना है, ऑक्शन का प्लेटफॉर्म लेना है, तो विदेश लोगों आज यहाँ से इम्पोर्ट, मतलब इंडिया का कोई भी पोर्टल यूज़ नहीं करते, क्योंकि 2% ड्यूटी लग जाती है। अगर वही चीज़ बारगांव के पोर्टल से हम लोग करते हैं तो इम्पोर्ट, फिर वहाँ से बारगांव लेके इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें ड्यूटी नहीं है। तो मतलब ये भी सरकार को समझ दी है। तो मतलब छोटी छोटी ऐसे चीज़ें हैं जो धंधा इंडिया का बढ़ा सकता है। अभी इंडिया देश बड़ा है, अपना ट्रेड सेंटर, ट्रेडिंग हब बन गया है, आज इकोनॉमी अपनी बड़ी है, तो हमें भी धीरे धीरे हमारे भी थोड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ सरकार भी साथ में, अपने को साथ में लेके चले तो बहुत ही अपना बिजनेस और क्षेत्र और जैम ज्वेलरी क्षेत्र को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब नया साल है, पिछले साल हमने देखा कि गोल्ड में करीब 15% का रिटर्न डोमेस्टिक मार्केट में, 13% इंटरनेशनल मार्केट में मिला। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग गोल्ड से इस साल, किस तरह की चाल रहेगी, कितना रिटर्न की उम्मीद करें? गोल्ड के अंदर सिमिलरली अभी आज की तारीख में 62,000-63,000 पे चल रहा है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप मेरे लिए तब तक 70,000 पे हो जाएगा। तो हम लोग तो बहुत बुलिश है, हम लोग को लग रहा है कि गोल्ड इस साल 70,000, ये इस 2024 में आपको 70,000 दिखने को मिल जाने का चांसेस बहुत हाई है। और मेरा प्रिडिक्शन है कि 2024 में ये गोल्ड हमको 70,000 दिखा देगा। ओके, चांदी पिछले साल उस तरह की तेजी नहीं थी, चांदी में 7-8% के ही रिटर्न मिले, क्या लग रहा है क्या 2024 में चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है, एक्सीड कर सकती है रिटर्न के मामले में, और किस तरह के टारगेट पूरे साल के दौरान देख सकते हैं, क्या अपर लेवल दिख सकता है चांदी में? चांदी भी मेरे सिमिलरली 8-10% से मैं ग्रोथ देखता हूँ, और गोल्ड और चांदी दोनों एक ही तरफ, एक ही तेज, एक ही रफ्तार से चलते हैं, और जब भी रुकावट भी आती है तो साथ में ही रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि चांदी और गोल्ड दोनों ये साल के अंदर मिनिमम यहाँ से करंट प्राइस जो भी चल रहा है उससे 10-12% का उम्मीद आराम से रख सकते हैं ग्रोथ ये 2024 में। डायमंड प्राइसिंग को लेकर क्या लग रहा है, क्या जिस तरह के मार्केट के सिनेरियो बन रहे, चाहे वो ग्लोबली हो, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सप्लाई की स्थिति, सप्लाई की दिक्कतें हैं, लेबर की दिक्कतें हैं, तमाम चैलेंजेस के बीच में डायमंड का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है नए साल में? नए साल में डायमंड का मार्केट थोड़ा बेटर दिख रहा है। 2023 थोड़ा कठिनाई वाला समय गुजरा डायमंड इंडस्ट्री के लिए, उसमें सप्लाई और डिमांड का डिस्ट्रप्शन भी रहा आज, और तेजी से मतलब प्राइसेस भी डायमंड के बहुत नीचे आए थे, तो ये सब के लिए हमको एक रुकावट के लिए हम लोग ने 2 महीने की इंडस्ट्री के लिए वॉलेंटरली बैंड का अनाउंस किया था। एज हम लोग ने जैसे ही ये बैंड अनाउंस किया था तो सारे माइनिंग कंपनीज का माल बिकना बंद हो गया था 2 महीने के लिए, और वो हिसाब से हम लोग को हमारी इन्वेंट्री जो गिर रही थी तो वो प्राइस को सेफ गार्ड कर दी, इन्वेंट्री भी गई, और धीरे धीरे फिर डिमांड भी है जैसे जैसे खुला तो इन्वेंट्री लेवल्स भी अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए। तो इस तरफ से ये जो हम लोग ने जो कदम उठाया जो डायमंड के लिए बहुत अच्छा हुआ, और आगे जाते 2024 में भी जैसे नवंबर में थैंक्स गिविंग और अभी क्रिसमस का डिमांड, अच्छे सेल्स के फिगर्स वहां से आ रहे हैं, सीप्स में भी ऑर्डर्स अच्छे खासे आ गए हैं, तो उम्मीद है कि अभी डायमंड भी एक्सपोर्ट्स यहां से जनवरी से अभी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। यस, लास्ट साल से हम लोग ये अप्रैल से मार्च में प्लस माइनस 22-23% हम लोग डाउन जाएंगे, लेकिन 2024 और 25 के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये 10-15% के ग्रोथ उम्मीद रख सकते हैं। ओके, यानी गोल्ड, सिल्वर और डायमंड तीनों ही सेगमेंट में इस साल, नए साल में 2024 में बहुत ही अच्छे शानदार ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया विपुल जी अपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे विपुल शाह, GJEPC जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि गोल्ड इस साल 70,000 रुपये के पार निकल सकता है, यानी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। चांदी में उन्होंने कहा कि 10-12% का रिटर्न चांदी से भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन डायमंड जो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कमजोर रहा था, वहां पर ग्रोथ कमजोर थी, डिमांड कम थी, लेकिन 24-25 के लिए वो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है।
डिमांड काफ़ी अच्छी उनको आगे दिख रही है। 24-25 में 10 से 15% ज़्यादा डिमांड की उम्मीद डायमंड से ये इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं। चलिए, लेकिन एक और एक्सपर्ट थे जॉय अलुकास ग्रुप के चेयरमैन, जाने माने ज्वेलर है, ग्लोबल ज्वेलर है, 160 से ज़्यादा ज्वेलरी स्टोर दुनिया भर में चलाते हैं वो। हालांकि हिंदुस्तान में उनके ज़्यादा ज्वेलर है, साउथ बेस्ड ज्वेलर है। उनका इंडस्ट्री को लेकर क्या कहना है, किस तरह से ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है, उस पर उनकी क्या राय थी, और ऊंचे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सोने पर, उससे क्या नुकसान हो रहा है, तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बात की थी। आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ जॉय अलुकास है। सर, शुक्रिया आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, ज्वेलरी मार्केट में ग्लोबली और इंडिया में किस तरह का ट्रेंड है, और क्या ये इस ट्रेंड में पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है ज्वेलरी मार्केट का? एक्चुअली नाउडेज द नेट इज अवेलेबल एंटायर पीपल, ओके, नाउ आईफोन दैट इज इनफ फॉर व्हाट इज द ट्रेंड इन आउटसाइड इंडिया। एवरी यंगस्टर्स नोस व्हाट इज द फैशन, व्हाट इज द ट्रेंड, so available everything in India now, machinery everything is here, any manufacturer they can make Italian design or all technology and everything is here, so import ka zarurat nahi hai abhi। okay sir, import duty jo 15% ka hai raw gold pe, kya lag raha hai, kya isse industry ko dikkatein ho rahi hai, budget bilkul corner pe hai, kya lag raha hai, kya demand hai aap logo ki, kya import duty kam karna chahiye gold se? 10-15 पहले ईयर बिफोर इम्पोर्ट ड्यूटी इज 1%, देन 2%, देन 5%, देन 10%, नाउ 15%। एक्चुअली इम्पोर्ट ड्यूटी दे वांट टू रिड्यूस 15-10, देन अदरवाइज द इलीगल गोल्ड विल कम, ओके, दैट मच मार्जिन इज देयर, द स्प्रेड इज देयर, सो एंड नाउडेज द इंडिया 3% ओनली द वैट, ओके, दैट इज वेरी गुड for compared to other countries, okay, even in UAE 5%, mm-hmm. And earlier was the jewelers are not do any the building activities and all single showroom family business, nowadays they all jewelers are corporate level, okay. More than 60% now the corporate, more than 2, 5, 10 showrooms, okay. Each and every group. So nowadays the everything is right way, now HYD, hallmarking system. Actually speaking, the jewelry, entire design or any outside design, everything available in India. Okay, sir, कुछ price outlook की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है? Last year Comex Gold ने करीब 13% का और MCX पर करीब 15% का रिटर्न मिला था, क्या उस तरह के रिटर्न की उम्मीद गोल्ड में इस साल भी, नए साल में भी करें? एक्चुअली दैट आई डोंट नो, एंड गोल्ड प्राइस ऑलवेज गोइंग अप ओनली, ओके सर, आप ग्लोब लास्ट ईयर गोल्ड प्राइस वाज 1800-820, नाउ 2500-2050 पर औंस इन डॉलर वाइज, एंड गोल्ड प्राइस ऑलवेज स्लोली एवरी ईयर 5-8% increasing. Okay. So gold is the best investing for gold, the best thing. Okay. Sir, एक सवाल, आप globally भी चलाते हैं, run करते हैं अपने business के India में भी, जो ग्राहकों का preference है, जो global customers हैं उनका और हिंदुस्तान में, कितना फर्क है दोनों में? Actually मेरा business even outside India, our main customers, clientele, India and Indian subcontinental customer, even UK, US, wherever our showroom. So we are doing only the 22 carat jewelry, retail, wherever our showroom. So our clientele always Indians, Indian culture, Indian design, Indian. यानी आप इंडियन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इसलिए कि कस्टमर भी आपके ग्लोबल स्टोर्स में भी इंडियन ही है। थैंक यू ईटी, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे जॉय अलुकास, बड़े ज्वेलर है, 160 से ज्यादा स्टोर्स रन करते हैं, साउथ वेस्ट ज्वेलर है, इंटरनेशनल मार्केट में इनके काफी ज्यादा स्टोर्स हैं। तो इनका यही कहना है कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने प्राइस आउटलुक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पर गोल्ड पे तो मिलती ही है। चलिए, अब एक और एक्सपर्ट पग्नेश नावाड़िया से हमने बात की थी, दोहरा ब्रांड के वो फाउंडिंग मेंबर भी हैं,
और उनसे बात की थी हमने लैब ग्रोन डायमंड को लेकर, क्योंकि लैब ग्रोन का मार्केट जिस तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में किस तरह की ग्रोथ है, कोई भी कस्टमर से अगर लैब ग्रोन डायमंड अगर खरीदने जाता है तो उन्हें किन सर्टिफिकेट का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वहां पर प्योरिटी की जांच करें, रीसेल वैल्यू क्या है, तमाम मुद्दों पर हमने उनकी राय ली थी, आइए सुन लेते हैं। लैब ग्रोन का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे लैब ग्रोन का चलन बढ़ रहा है साथ ही नेचुरल डायमंड को भी काफी उससे कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन क्या लैब ग्रोन का मार्केट उतना सस्टेनेबल है, किस तरह की ग्रोथ है मार्केट में, किस तरह की डिमांड है और आने वाले समय में लैब ग्रोन डायमंड का फ्यूचर क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, देवरा ब्रांड के हमारे साथ प्रग्नेश नवाड़िया है, फाउंडिंग मेंबर है। शुक्रिया प्रग्नेश, आपसे मेरा पहला सवाल होगा किस तरह की डिमांड है लैब ग्रोन डायमंड की? सर, डिमांड अभी लैब ग्रोन डायमंड में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या है कि डायमंड्स एज इन यू सी व्हाट इज द डायमंड, सो नेचुरल डायमंड होता है या लैब ग्रोन डायमंड होता है, उसका केमिकल, ऑप्टिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। सो डायमंड में कोई फर्क नहीं है, जैसे एक आइस है वो रेफ्रिजरेटर में से बना है या आइस स्नोफॉल से है, या एक टेस्ट ट्यूब बेबी है या फिर नेचुरली कंसीव बेबी है, सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर द सेम। सो उसकी वजह से आज कस्टमर्स को पहले अवेयरनेस नहीं था, अब अवेयरनेस बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे फर्स्ट लेडी को US में डायमंड गिफ्ट किया, कस्टमर्स को भी समझ में आया और कि ये असली ही हीरा ही है, तो नाव लोगों का सामने से रिटेलर्स हमारे जो ग्राहक थे, पहले हमें जाके उनको समझाना पड़ता था कि आप ये डायमंड ज्वेलरी रखिए या ये डायमंड बेचिए, आज वो हमारे पास सामने से आ रहे कि कस्टमर मांग रहे हैं कि हमें ये डायमंड्स बेचना है। ओके रग्नेश, अगला मेरा सवाल होगा प्राइस को लेकर, प्राइस रेंज लैब ग्रोन डायमंड का कहां से शुरू होता है ताकि कस्टमर्स को समझने में आसानी हो, और ऊपर के रेंज कहां तक जाते हैं? लैब ग्रोन डायमंड के प्राइजेज में होता है कि डायमंड्स के प्राइसिंग बेसिकली बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि कलर कौन सा है, क्लैरिटी कौन सी है, कट कौन सा है, सो देर आर 4 C's बेसिकली जिसके ऊपर उसके प्राइसिंग रहते हैं। लेकिन स्टार्ट होता है डायमंड के प्राइसिंग लैब ग्रोन में 20-25,000 से स्टार्ट होता है और अप टू 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs तक भी जाता है, वो साइजेस के हिसाब से डिफर होता है, कलर क्लैरिटी के साथ डिफर होता है। अब मेरा सवाल रीसेल वैल्यू को लेकर काफी सवाल उठते हैं, मैं आपके पास आता हूँ, देवरा ब्रांड के पास आता हूँ, आपसे लैब ग्रोन का कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहा हूँ, मान लीजिए 1 lakh rupees का मैं लेके गया यहाँ से प्रोडक्ट, मैं अगले 1 साल बाद आपके पास आता हूँ तो मुझे क्या प्राइस मिलेगा, मैं वापस आपके पास रिटर्न के लिए आता हूँ, मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना है? एज अ दियोरा ब्रांड वी सप्लाई टू द रिटेलर्स, बेसिकली वी डू नॉट सप्लाई, हम लोग रिटेलर को देते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते, तो रिटेलर अपने कस्टमर्स को जनरली लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में 100% एक्सचेंज देता है और 80% या 85% बाईबैक भी देता है। कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट है जो लैब ग्रोन डायमंड खरीदने समय देखना चाहिए? लैब ग्रोन डायमंड खरीदने के समय आपको देखना चाहिए कि वो IGI या SGL सर्टिफाइड ज्वेलरी है कि नहीं है, ज्वेलरी है तो BIS हॉलमार्क है, और डायमंड की सर्टिफिकेशन की बात करें तो लैब ग्रोन में IGI, SGL और GIA तीनों तीन लेबोरेटरीज डायमंड को सर्टिफिकेशन देती है, जो नेचुरल डायमंड को भी देती है। आपने रीसेल वैल्यू की जो बात की, क्या इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स जो लैब ग्रोन डायमंड में डील करते हैं क्या उसी तरह की रीसेल वैल्यू देते हैं? हाँ, हर रिटेलर अपने कस्टमर को इसी तरह की रिटेल वैल्यू दे रहे हैं आज। अब अगला सवाल होगा, बजट बहुत काफी नजदीक है, ऐसे में आप लोगों की क्या डिमांड है इस इंडस्ट्री की, लैब ग्रोन डायमंड की तरफ से आप क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी कोई बेसिकली मांग ऐसी है नहीं, बट द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द डायमंड इटसेल्फ एज, बिकॉज ये हमारे देश के ही हीरा है, हमारे यहाँ पे ही ग्रो हो रहा है, हमारे यहाँ पे ही पॉलिश हो रहा है और हमारे यहाँ पे ही वो बिक रहा है। बल्कि नेचुरल डायमंड में क्या था कि एज अ इम्पोर्ट वी हैज टू इम्पोर्ट रफ from mines of Africans or maybe Russia, and the forex payment was going abroad. Now everything is getting basically made in India. So government already industry के साथ है, diamond का बूर सूरत में आ गया है, so government is already supporting और diamond industry के साथ grow हो रही है अभी। रग्नेश, अब आखिरी मेरा सवाल होगा एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, इंडिया में बने हुए लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में कैसी है, ग्लोबल मार्केट में कैसी है? सर, ग्लोबल मार्केट में ही अभी डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ग्रो हो रही है, उसकी शुरुआत हुई है। ग्लोबली जितना US में, US इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, तो US में जितना लैब ग्रोन डायमंड जा रहा है उसमें से 95% डायमंड स्टड ज्वेलरी भी यहाँ से इंडिया से जा रही है और डायमंड भी इंडिया से ही जा रहे हैं। शुक्रिया प्रग्नेश, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के लिए, थैंक यू सो मच।
तो लैब डायमंड का आपने पूरा पूरी एनालिसिस सुनी कि कैसे लैब डायमंड बनता कैसे है, आपको अगर खरीदारी करने जाते हैं तो किन किन सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है, रीसेल वैल्यू क्या है, प्राइसिंग किस तरह से चलता है, तो तमाम मुद्दों पे आपने बात सुनी। साथ ही गोल्ड सिल्वर पर भी आपने दिग्गजों की राय सुनी, जिसमें जॉय अलुकास से लेकर विपुल शाह जो GJEPC के चेयरमैन थे उन्होंने अपनी राय रखी गोल्ड को लेकर। सबकी यही सबका यही कहना था कि 10% के आसपास की ग्रोथ इस साल भी गोल्ड के प्राइसेस में दिखेगी, चांदी में भी 10-12% की रिटर्न की उम्मीद विपुल शाह कर रहे थे, और डायमंड डिमांड भी इस साल बढ़ने वाला है। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, कमोडिटी विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।